आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने। तो जैसे देख रहे हैं अभी हम बहराइच मेडिकल कॉलेज में मुझे स्लॉट मिला है, तो वहीं जा रहे हैं वैक्सीन की डोज लगवाने। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मुझे दूसरी डोज का स्लॉट मिला है। अभी अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले मुझे हम लोगों को एंट्री करनी होगी, अपना जो स्लॉट बुक किया है वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जो है अलाउ कर रहे हैं। आज के व्लॉग में मेरे साथ में भाभी हैं और प्रिंस हैं और हिमांशी हैं। हम लोगों का स्लॉट 10 से 12 वाला था, तो 10 बजे ही हम लोग पहुँच गए थे, तो भीड़ अभी कम थी यहाँ पे। तो भाभी खड़ी हुई यहाँ पे और हम लोगों में सबसे ज़्यादा समझदार भाभी ही हैं। हम लोग भले ही मास्क थोड़ा इधर उधर निकाल लें, लेकिन भाभी जो है हमेशा मास्क बिल्कुल अच्छे से लगाए रहती हैं और हिमांशी भी लगाए रहती है अच्छे से। तो एक्चुअली मुझे इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है, तो मैंने पहले बोला कि प्रिंस भाई, हिमांशी और भाभी को लगेगा और लास्ट में जो है मुझे लगेगा। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो स्टाफ है वो इतना पोलाइट है। हालांकि वो लोग सारा दिन ड्यूटी पे रहते हैं, बहुत सारे उसमें लोग आते हैं लगवाने के लिए, लेकिन वो लोग बेहद बहुत ही ज़्यादा काम हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं और अपने काम में बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। तो प्रिंस भाई को ये अभी वैक्सीन का इनका पहला डोज है, एक्चुअली प्रिंस और हिमांशी का पहला डोज है और मेरा सेकेंड डोज है और भाभी का भी सेकेंड डोज है, कोविशील्ड का हम लोगों ने लगवाया है। ये मैम यहाँ कुछ डिटेल्स मांगते हुई, एक्चुअली यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल फिल करके वो स्लिप दे रहे थे वैक्सीनेशन के लिए। ये देखिए अब हिमांशी को इंजेक्शन लगने वाला है, गई भाभी की बारी। चलो भाभी, वैक्सीन लग गया, वाव। अब आ गई है मेरी बारी और मैं उन्हें बोल रहा था कि आप थोड़ा धीरे लगाइएगा, तब तक उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वैक्सीन आपको लग चुकी, तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और बड़े आराम से वैक्सीन लग गई। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग वैक्सीन अपना जो फर्स्ट डोज है सेकेंड डोज है वो जाएँ लगवाएँ और कोविड से सेफ रहें। वैक्सीन लगने के बाद फिर हमें दूसरे रूम में भेजा गया जहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि जिनको अगर बुखार या दर्द हो जाता है, तो पैरासीटामॉल यहाँ दी जा रही थी। तो ये मैम भी बहुत अच्छी थी और सबको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी मैडम, और यहाँ पे पैरासीटामॉल दिया जा रहा है, देखिए सारे डिटेल्स फिल करने के बाद। तो एक बार सैल्यूट है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को और सारे वैक्सीन वाले स्टाफ को कि जो कि हमें कोविड से बचाने में निरंतर लगे हुए हैं और हम लोग इतने सेफ्टी से आराम से अपने घरों में रह रहे हैं क्योंकि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं हमारे लिए। वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा बुखार या दर्द या बॉडी पेन हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी है, चला जाता है, तो इससे डरे ना और सारे लोग वैक्सीन लगवाएं। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।